अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाहिद महमूद ज़िया। आज हम 10th क्लास का साइंस मैथ्स शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने ड्राइव करना है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने केवल क्या किया, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें क्या था बेटा, आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपने जैसे हमने अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रीवियस लेक्चर में काम किया था कि कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड पे ले गए। हमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें चाहिए किसी चीज़ का स्क्वायर, ए तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं था, इसलिए हमने तमाम वैल्यूज़ को ए से डिवाइड कर दिया। करने के बाद हमने इसको फॉर्मूले की शेप में जब कन्वर्ट किया, एक्स का स्क्वायर इट मीन्स एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ बी ए प्लस टू फार्मूले वाला एक जगह एक्स, इसको इससे कंपेयर किया तो बी ओवर टू ए, ये b ओवर 2a जो है ये b की वैल्यू, इसका स्क्वायर हमने इधर ऐड किया और इधर भी ऐड किया। अब इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया, इसके पेरेंट सेल में x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। इसका एलसीएम लिया और बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। मैंने पहले भी बताया था जब स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो राइट साइड पर हम प्लस माइनस क्यों करते हैं कि स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो उसमें प्लस माइनस आ गया, इसको उठा के इधर ले आए और ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। आपने जो एक्सरसाइज नंबर हमारी 1.2 है वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है आप लोगों ने ना। जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। इसको सबसे पहले, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास प्लस होना चाहिए, हम इस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे, 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा प्लस होना चाहिए और किसी चीज़ का स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, वो स्क्वायर होता है। हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए। अब जब इसको इसके साथ कंपेयर किया तो क्योंकि 2 अपने पास से लगाया था, 7/2, क्योंकि जब इसको हम रिवर्स चले तो 7x आएगा। अब ये शो कर रहा है कि 7/2 बी की वैल्यू है, 7/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 7/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4 प्लस 2, एक्स प्लस 7/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 449 प्लस 8, एक्स प्लस 7/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 57/2। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, एक्स प्लस 7/2 प्लस माइनस 57/2, एक्स इक्वल्स टू माइनस 7/2 प्लस माइनस 57/2, एक्स इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस 57/2। अब 57 जो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता ना, पॉइंट्स में आता है, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस 57/2। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम जो फ्रैक्शन फॉर्म में वो कर लेते हैं, या ये जो हमारे पास अंडर रूट वाला है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू अंडर रूट 3। ये मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करवाया है ताकि इसका आंसर चेक हो सके, हर मेथड से ऐसे आंसर होता है, तो इसी को अब हम क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करेंगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या किया बेटा आपने, ए इक्वल्स टू 1 है, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी इक्वल्स टू 7, सी इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। एक्स इक्वल्स टू वैल्यूज पुट अप कर दें, माइनस सेवन प्लस माइनस माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू इंटू वन, माइनस सेवन प्लस माइनस फोर्टी नाइन प्लस एट ओवर टू। एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन प्लस माइनस फिफ्टी सेवन ओवर टू। अभी देखिए बेटा, आप लोग उसी क्वेश्चन को जब हमने पहले, मैंने हालांकि इस जो एक्सरसाइज में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेकिंग, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज में डिमांड थी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन मैंने आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करवाया और देखिए उन दोनों का आंसर सेम आया। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया बेटा इसका, माइनस सेवन प्लस माइनस फिफ्टी सेवन ओवर टू। इसके बाद हम आप लोग अब करवाएंगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाऊंगा अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर थर्ड पार्ट, इसका अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू फोर इंटू अंडर रूट थ्री। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर इंटू अंडर रूट थ्री, ए अंडर रूट थ्री आ गया, बी वन आ गया, सी आ गया माइनस फोर इंटू अंडर रूट थ्री। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। एक्स माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू इंटू वन। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस फोर, फोर आर सिक्सटीन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर ओवर टू। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री ओवर टू। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस फोर्टी एट ओवर टू। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस फोर्टी नाइन ओवर टू। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस सेवन ओवर टू। अब इसके दो पोर्शन करेंगे, माइनस वन प्लस सेवन ओवर टू, एक्स इक्वल्स टू सिक्स ओवर टू, एक्स इक्वल्स टू थ्री। माइनस वन माइनस सेवन ओवर टू माइनस एट ओवर टू और एक्स आ गया माइनस फोर। तो सॉल्यूशन सेट आ गया थ्री माइनस फोर। बेटा इस एक्सरसाइज में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है, इसमें बस कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें या बाय मिड टर्म ब्रेकिंग करें या इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। जो भी आपको उसमें मेथड ईजी लग रहा है, जो चल रहा है उसको लगा दें आप ना। जी एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 2x4 क्वेश्चन नंबर 1 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें जो x2 और x4 में जो छोटी पावर है उसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो एक्स फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, टू ए स्क्वायर माइनस इलेवन ए प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। इसमें वही मिड टर्म ब्रेकिंग होगी तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, टू ए स्क्वायर माइनस फाइव टू आर टेन, ठीक है, माइनस टेन ए माइनस ए प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। टू ए कॉमन, ए माइनस फाइव माइनस वन कॉमन, ए माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ए माइनस फाइव टू ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ए माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू फाइव,
2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो बेटा a की वैल्यू आ गई 1/2। अब एक तो हमने सपोज किया हुआ है, तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो बेटा आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। अब इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, x आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 5, x आ गया प्लस माइनस 1/√2, और यही इसका सॉल्यूशन सेट हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस 1/√2। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है बेटा, दूसरी टाइप जो आ जाती है वो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी तरीके से आप लोगों ने करने हैं, 6, 7, 8, 9 जो है वो दूसरी टाइप आ जाती है। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, हम 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, x/x-3, x/x-3 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। इसमें हमने लेट किया x/x-3 इक्वल्स टू a, और फिर x-3/x आ जाएगा 1/a, तो अब इसको हमने लिखा a प्लस 4/a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, a एलसीएम a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a। अब ये जाके a इधर 0 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यह आ गया a माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 0। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 2 आ गया। पुट a क्या था, x/x-3, x/x-3 इक्वल्स टू 2x, 2 × x-3, x 2x-6, 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, 2x-x, और 6 आ गया x, तो इसका बेटा सॉल्यूशन सेट आ गया 6। ये देखिएगा जरा इस चीज को आप। इसके बाद दो टाइप्स के क्वेश्चन रह गए हैं इसमें से, तीन टाइप्स के ना इसमें से। अभी मैं क्वेश्चन नंबर करवाऊंगा आपको 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 2x4 + x3 + x3 - 6x² + x + 2 = 0। अब इसको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स हैं। सेंटर टर्म कौन सी है, ये x square है, तमाम को x square से डिवाइड कर देगी, आ जाएगा बेटा 2x² + 6, 1/x, 2/x² = 0। अब इनको आप अरेंज कर लें, 2x² + 2/x² + x। अब देखें, अब यहां माइनस 6 है ना, माइनस 4 और माइनस 2 कर लेते हैं, प्लस एक्स प्लस 1/x = 0। इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x² 1/x² - 2, अब प्लस x + 1/x, और ये वाला -2 = 0, तो ये 2 आ गया x² x + 1/x² + x + 1/x - 2 = 0। लेट किया x + 1/x = a, 2a² + a² - 2 = 0। इसमें आपके पास आ गया -4, 6, 2x² 2/x², ठीक है, -4 - 2। अब a की वैसे में अगर मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, 4 2s are 2, 2s are 4, 6 - 4 - 2, हाँ जी, a इक्वल्स टू, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, b = 1, c = -2, x = -b + -b² - 4ac/2a, x4 + x³ - 6x² + 6,
प्लस टू, टू 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 फोर आ जाएगा। माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू इंटू टू। एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस सिक्सटीन ओवर फोर प्लस माइनस सेवनटीन ओवर फोर। ए यूज हो रही है यहाँ पर। ओह माइनस फोर माइनस टू इस क्वेश्चन को दोबारा करवा सकते हो मेरे।